नमस्कार, जयस किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पाउटा राइस। तो देखो, हमारा तेल अभी गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे राई। फिर बाद में हम थोड़ा सा करी पत्ता डालेंगे। कटा हुआ प्याज भी डालेंगे। और तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा प्याज भुना है तभी हम पाउटा डालेंगे तेल में। और प्याज और पाउटा दोनों को तेल में अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको मराठी में वरणा कहते हैं, पाउटा कहते हैं, वाल भी कहते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अभी मैंने एक कटोरी चावल लिया है। चावल को भी हम अभी तेल में भूनेंगे। भूनने के बाद अभी अच्छी तरह से देखो, चावल अभी भून चुके हैं। अभी हम लाल मिर्च पाउडर डालने वाले हैं। आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो ज़्यादा डालें। और इसको भी चलाते रहना है मिक्स करते करते। अभी मैंने एक कटोरी नाप से चावल लिए थे, उसी नाप से मैं दो कटोरी पानी डाल रही हूँ अभी। और हरा कटा धनिया और स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ। और अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम कुकर को ढक्कन लगाकर 3 सीटियां निकाल लेंगे। देखो, 3 सीटी निकालकर हमारा कुकर अभी ठंडा हो चुका है। हम अभी उसको ओपन करके देखेंगे हमारा पाउटा राइस हुआ है या नहीं। आहा, बहुत अच्छा हो चुका है। देखो तो जरा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखो, हमारा पाउटा राइस तैयार है। धन्यवाद।